हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा न्यू पैटर्न के कुछ स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस, क्योंकि इस समय इस तरीके के क्वेश्चंस सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस फोर्थ कमिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस और दूसरे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जैसे IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, LIC का एग्ज़ाम है और रिव्यू ऑफिसर UP में इसकी भी वैकेंसी आई हुई है, तो इसके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट पर आप ज़रूर जाएं, englishiq.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। वोकैबलरी की काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने अपलोड की हैं यहाँ पर, और वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक सीरीज़ में भी मैं चला रहा हूँ। इसके दो पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वोकेबलरी के, Part 1 and Part 2, तो इनको भी आप ज़रूर पढ़ें और यहाँ से आप इन ई बुक्स को ज़रूर अपलोड करें, ये बहुत ही अच्छी ई बुक्स हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। देखिए, ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर डायरेक्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और ये रेड कलर में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में किसी भी एक पार्ट में, दो पार्ट में या तीन पार्ट में एरर हो सकती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस में से आपका आंसर बनेगा। और आजकल इस तरह के क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जा रहे हैं सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। देखिए, यहाँ से इसको पढ़ते हैं, पार्लियामेंट इज नॉट कम्पीटिंग टू इनेक्ट। देखिए, सबसे पहली गलती तो इसमें यहाँ पर है कि ये जो टू लगा हुआ है, टू के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं, इसमें एस हम नहीं लगाएंगे, तो एक गलती तो ये है इसमें। दूसरी गलती देखते हैं, पार्लियामेंट इज़ नॉट कम्पीटिंग, यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ लग रही है, अभी मैं देखता हूँ। पार्लियामेंट इज़ नॉट कम्पीटिंग टू इनेक्ट एनी लॉ विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद अ फंडामेंटल राइट। देखिए, यहाँ पर इसमें प्लूरल वर्ब है और यहाँ पर ए दे दिया है, तो ये दोनों का मैच जो है ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हम पर्टिकुलर राइट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे द फंडामेंटल राइट्स, और जब आप द लगाएंगे यहाँ पर तो फिर ये राइट्स भी सही हो जाएगा। तो एक ये गलती है इसमें, ठीक है। इनश्राइंड इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनश्राइंड मतलब उनको पार्ट थर्ड में लिखा गया है, तो दो गलती तो ये हैं इसमें। और तीसरी गलती इसमें यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि देखिए, पार्लियामेंट इज नॉट कम्पीटिंग, कम्पीटिंग का मतलब किसी व्यक्ति के साथ शर्त लगाना या उसके साथ कम्पीट करना, प्रतिस्पर्धा करना, तो पार्लियामेंट कम्पीट क्यों करेगा, ठीक है। तो कम्पीट यहाँ पर रॉन्ग वर्ड है, पार्लियामेंट इज नॉट कॉम्पिटेंट आप बोल सकते हैं, पार्लियामेंट इज नॉट कॉम्पिटेंट मतलब पार्लियामेंट ऑथोराइज नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स इनश्राइंड इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता, कोई भी ऐसे लॉ को इनेक्ट नहीं कर सकता जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ मेल नहीं खाता है। तो कॉम्पिटेंट वर्ड यहाँ पर सही होगा, यानी ए, बी और सी तीनों ही पार्ट में इसमें कोई ना कोई एरर है, तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, सी इसका आंसर आपका होगा। तो ये हैं करेंट पैटर्न की स्पॉटिंग के क्वेश्चंस, हाईली इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मार्केट्स इंप्रेसिव रिकवरी, ये तो सही है, फ्रॉम द डेज लोज। देखिए, मार्केट इसमें शेयर मार्केट की बात हो रही है, और शेयर मार्केट मार्केट जो होती है वो काफ़ी बार लो जाती है, नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, तो ये तो इसमें सही है। और मार्केट्स इंप्रेसिव रिकवरी फ्रॉम द डेज लोस, चूँकि रिकवरी सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज सही है, हैज के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म सही है। सम रीज़न फॉर ऑप्टिमिज्म टू इन्वेस्टर्स हु बिलीव, इन्वेस्टर्स के साथ ये बिलीव सही है। द फॉल को यहाँ पर एक नाउन की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गिरावट हुई थी मार्केट में उसकी इसमें बात हो रही है, तो फॉल सही है, फॉल वॉज सिंपली अ टेम्परेरी करेक्शन इन ए बुल मार्केट। तो ग्रामर इसमें सभी सभी जगह सही लग रही है, सभी वर्ड इसमें सही हैं, इसमें गलती नहीं है, इसमें आंसर होगा आपका नो एरर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ऑर्डिनेंस किस में बात हो रही है? ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक अध्यादेश होता है जिस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है या स्टेट असेंबली सेशन में नहीं होती है, उस समय यदि कोई महत्वपूर्ण कानून बनाना है, ठीक है, तो पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं, तो उस पर सारे लोग कैसे कैसे उसको ऑथोराइज किया जाएगा, तो उसको क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास उसको ले जाते हैं, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है और वो एक टेम्परेरी रूल बन जाता है, फिर बाद में उसको एमपी के परमिशन से एक रूल बना दिया जाता है, तो उसी को हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ऑर्डिनेंस की इसमें बात हो रही है, एंड ऑर्डिनेंस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल शेंक्शनड एड हॉक होता है, ये एड हॉक मैकेनिज्म, एड हॉक मतलब प्रोविजनल होता है ये, एंड ऑर्डिनेंस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल सेंक्शनड, कॉन्स्टिट्यूशनली सेंक्शनड, ठीक है, तो ये तो सही है, वर्ब से पहले इसमें एडवर्ब आया है तो ये तो सही है, एड हॉक मतलब ये प्रोविजनल होता है तो ये भी सही है, एक ये मैकेनिज्म है तो ये भी सही है, फॉर विच क्रिटिकली अर्जेंट सिचुएशंस आर मेट, अर्जेंट सिचुएशंस के लिए इसमें लॉ बनाए जाते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो लेकिन यहाँ पर आर तो सही है क्योंकि ये सिचुएशंस के बाद लगा हुआ है, लेकिन मीट नहीं होगा, अर्जेंट सिचुएशंस आर मेट, अर्जेंट सिचुएशंस के लिए उसमें कानून बनाए जाते हैं, तो ये चूंकि पैसिव वॉइस में है इसलिए ये मेट इसमें नहीं होगा, मीट नहीं होगा, सॉरी मैट होगा, ठीक है, तो एक तो इसमें ये गलती है मैट की, यानी एक तो इसमें सी पार्ट में गलती है, ठीक है, और एक इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए, एन ऑर्डिनेंस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनली सेंक्शनड एड हॉक मैकेनिज्म फॉर विच, थोड़ी हम बोलेंगे फॉर, इसके द्वारा सिचुएशंस को डील किया जाता है ऑर्डिनेंस के द्वारा, तो या तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बाय विच या हम बोल सकते हैं थ्रू विच, ठीक है, तो यहाँ पर एक ये पाथ भी गलत है, यानी इसमें बी पाथ भी गलत है, ठीक है, बी पाथ भी इसमें गलत है, बाय विच क्रिटिकली अर्जेंट सिचुएशंस आर मेट, बी एंड सी और स्टेट असेंबली इज नॉट इन सेशन, डी सही है इसमें, तो बी एंड सी पाथ इसमें गलत है, इसमें आपका आंसर होगा बी एन सी। चलिए आगे देखते हैं, देखिए किसी भी क्वेश्चन में ये जो वर्ड आता है गिविन, गिविन का मतलब होता है ऐसा मानते हुए, कंसीडरिंग, इस फैक्ट को मानते हुए या इस चीज को कंसीडर करते हुए, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब यहां पर आप देखिए गिविन देयर लिमिटेड अटेंशन, ये अटेंशन किसका है, ये अटेंशन इन कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल कैपेसिटी किसी किसी व्यक्ति की है, तो इसलिए यहाँ पर ये देयर नहीं आएगा क्योंकि देयर का मतलब तो वहाँ होता है, यहाँ पर आएगा टी एच ई आई आर वाला देयर, गिविन देयर लिमिटेड अटेंशन, उनका लिमिटेड अटेंशन की बात हो रही है, तो एक तो इसमें ये गलती हो गई, यानी एक तो इसमें ए पार्ट में गलती है, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, गिविन देयर लिमिटेड अटेंशन इन कंप्यूटेशनल कैपेसिटी पीपल ग्रेविटेट, ग्रेविटेट में एस नहीं आएगा क्योंकि पीपल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, ये सही है, टूवर्ड्स द स्टेटस क्यू विच ऑफन, रिजल्ट सही है, रिजल्ट इसमें सही है क्योंकि स्टेटस क्यू सिंगुलर है, स्टेटस क्यू का मतलब है जो करेंट सिचुएशन है उसको हम बोलते हैं स्टेटस क्यू, तो ये तो सही है, इसके साथ रिजल्ट भी सही है, इन ए गैप बिटवीन अ पॉलिसीज इंटेंट एंड एक्शन, ठीक है, तो इसमें केवल ए पार्ट गलत है, यही इसमें आंसर होगा, बाकी सब तो सही है इसमें। देखिए गिविन देयर लिमिटेड अटेंशन एंड कंप्यूटेशनल कैपेसिटी, उनकी लिमिटेड अटेंशन और कंप्यूटेशनल कैपेसिटी को यदि हम कंसीडर करें तो इसकी वजह से पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड द स्टेटस क्यू, लोग जो करेंट सिचुएशन है उसी पर विश्वास करते हैं और जिसकी वजह से एक रिजल्ट क्रिएट, जिसकी वजह से गैप क्रिएट होता है पॉलिसी का जो पर्पज है और पॉलिसी के लिए पर्पज जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसमें, तो कोई रिपोर्ट के बीच में से ये सेंटेंस लिया गया है, तो ये सेंटेंस उतने अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको केवल ग्रामर को समझना है, तो ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर केवल ए ही इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये तो सही है, इट ए हाँ यहाँ पर गलती है, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ये तो सही है, देखिए ओवर का मतलब यहां पर क्या है, ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट फ्यू ईयर्स के दौरान, पिछले कुछ वर्षों के दौरान, जब पिछले कुछ वर्षों से लेके अभी तक की बात हो रही है तो यहां पर हम लगाएंगे इट हैज बीन ऑब्जर्व, बीन नहीं आता,
ये बीइंग हैज के साथ नहीं लगता, ये गलत है, इट हैज बीन ऑब्जर्व होगा यहां पर। तो एक तो इसमें ए पार्ट गलत हो गया, दैट इवन द मोस्ट वेल इंटेंशनड पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम्स, चूंकि ये प्रोग्राम्स है इसलिए यहां पर फेल्स नहीं होगा, फेल होगा, ठीक है। एक इसमें सी पार्ट गलत हो गया, फेल्स टू बी अडॉप्टेड बाय पीपल हु वुड बेनिफिट फ्रॉम देम द मोस्ट। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इवन द मोस्ट वेल इंटेंशनड पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम्स फेल टू बी अडॉप्टेड बाय पीपल हु वुड बेनिफिट फ्रॉम देम द मोस्ट। ये बात सही है। इसमें क्या बोला जा रहा है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान ये पाया गया है कि जिनको काफ़ी अच्छी नीयत से ऐसे पॉलिसी प्रोग्राम जिनको काफ़ी अच्छी नीयत से गवर्नमेंट बनाती है, उनको वही लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं जिनको उन प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इसमें एक्चुअली बोला जा रहा है, और ए और सी इसमें आपके गलत हैं, बाकी सब सही है इसमें, ठीक है। ए एंड सी इसमें गलत हैं, बाकी सब इसमें सही है। आगे देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इज ऑफ द ओपिनियन, मतलब बीसीसीआई की इसमें बात हो रही है, बीसीसीआई का मत ये है, इज ऑफ द ओपिनियन सही है, जैसे आई एम ऑफ द ओपिनियन मतलब मेरा ये मत है, तो ये फ्रेज जो है आई एम ऑफ द ओपिनियन ये सही है। तो इस तरीके से यहां पर ये भी सही है कि बीसीसीआई इज ऑफ द ओपिनियन दैट द इंडियन टीम शुड प्ले मोर प्रैक्टिस मैचेस एनी फॉरेन टूर इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड सक्सेस ऑन द फॉरेन सॉइल, मतलब जो फॉरेन में जो मैचेज होते हैं वहां पर इंडिया को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मैचेज खेलने चाहिए, यदि इंडिया बाहर की जो पिचेज है वहां पर, बाहर की जो कंट्रीज है वहां पर ज्यादा से ज्यादा मैच वो जीतना चाहती है। तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इसलिए, पर्पज के लिए ये आता है, इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड सक्सेस ऑन द फॉरेन सॉइल। तो ये सेंटेंस तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसका आंसर होगा ऑल फ्रेगमेंट्स आर एरर फ्री। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं, द बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इज ऑफ द ओपिनियन दैट द इंडियन टीम शुड प्ले, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई एक सजेशन दे रहा है, शुड प्ले मोर प्रैक्टिस मैचेस इन एनी फॉरेन टूर इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड सक्सेस ऑन द फॉरेन सॉइल। सही है ये सेंटेंस, ठीक है। आगे देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई हैं, हैच के साथ थर्ड फॉर्म आया है, गाइडलाइंस के लिए हम मेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस बनाई हैं, सेक्चुअली हरासमेंट, चूँकि हरासमेंट नाउन है तो नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगाएंगे, सेक्चुअल हरासमेंट बोलेंगे इसको हम, ठीक है, सेक्चुअली हरासमेंट नहीं बोलेंगे। तो एक तो इसमें सी आपका गलत हो गया, अगेंस्ट वुमेन एंड ऑल हैव टू कंप्लाई बाय इट विदाउट फेल। कंप्लाई का मतलब होता है किसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, लेकिन कंप्लाई के बाद हम बाय नहीं लगाते, कंप्लाई के बाद हम विद लगाते हैं, तो एक हो जाएगा इसमें ई, ई पार्ट भी गलत है इसमें, ये दो पार्ट गलत है इसमें, सी एंड ई, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। विदाउट फेल का मतलब होता है बिना किसी लैप्स के। द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस अगेंस्ट वीमेन, औरतों के अगेंस्ट कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई है और सभी को इसको कंप्लाई करना है, इसको मानना है, बी एंड सी इसमें सही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट इट इज नथिंग एल्स के बाद हम देन नहीं लगाते, नथिंग एल्स के बाद हम बट लगाते हैं, तो एक तो इसमें सी पार्ट गलत हो गया, देन इज ईगो दैट इज प्रिवेंटिंग हिम टू, देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद हम ये टू प्रपोजिशन नहीं लगाते, जैसे प्रिवेंट है इसके बाद हम फ्रॉम लगाते हैं, और फ्रॉम चूंकि एक प्रपोजिशन है इसलिए इसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये होना चाहिए प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम अटेंडिंग द फ्यूनरल ऑफ हिज एस्ट्रेंज्ड फादर। तो यहाँ पर डी पार्ट में भी गलती है, सी एंड डी पार्ट में गलती है इसमें, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ अभी,
ठीक है, आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट इट इज नथिंग एल्स बट हिज ईगो। मतलब मैं क्लियरली ये जान सकता हूं, मैं क्लियरली ये समझ सकता हूं कि ये कुछ नहीं था उसके ईगो के अलावा। नथिंग एल्स बट का मतलब होता है कि इसको छोड़ के ये कुछ नहीं था, बट यहां पर एक प्रपोजिशन की तरह काम करता है। तो नथिंग एल्स बट मतलब ये कुछ नहीं था इसके अलावा, उसके ईगो के अलावा वो कुछ नहीं था जिसने उसको रोका कि वो अपने फादर का जो फ्यूनरल है उसको वो अटेंड नहीं कर पाया। स्ट्रेंज का मतलब होता है अलग हो जाना, या जिसको कोई प्यार नहीं करता। जैसे हस्बैंड और वाइफ यदि अलग हो जाते हैं तो उसको भी हम स्ट्रेंज स्पाउस बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सी एंड डी आपका आपका आंसर होगा, सी एंड डी में इसमें गलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई, सही है, इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन एनी अदर सिटी इन इंडिया, बट स्टिल मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन कंट्री। देखिए वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल में आएगी, तो यहां पर एक तो ये गलती है इसमें, ये कौन सा पार्ट है, ये है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द कंट्री, एक तो ई में गलती है इसमें, और द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई इज मोर देन, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ लिविंग दो बार इसमें रिपीट हो रहा है, मतलब नाउन का रिपीटिशन हो रहा है इसमें, तो इसको भी ग्रामर के हिसाब से गलती मानी जाती है। द कॉस्ट तो इसके लिए हम दैट ऑफ लगा सकते हैं सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए हम दोज ऑफ लगा सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई इज मोर देन दैट, यहां पर हम दैट लगा देंगे, यहां पर इसको हम रिप्लेस कर देंगे दैट से। सिंगुलर के लिए हम दैट लगाते हैं और प्लूरल के लिए हम दोज लगाते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई इज मोर देन दैट इन एनी अदर, इस तरह से होगा ये, तो बी पार्ट भी गलत है इसमें, बी एन ई डी आंसर होगा इसमें। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि रिव्यू ऑफिसर के लिए मैं इंग्लिश सेक्शन के कुछ वीडियो क्लासेस बनाऊं, तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, और पेड क्लासेस के लिए भी मेरे पास क्वेरी आ रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स बैंक पीओ के लिए, बैंकर के लिए, एसएससी के लिए मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझसे बात कर लें। वैसे तो इसके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन आप मुझसे कॉल करें, बात करें, मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूंगा कि किस कोर्स की आपको ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।